हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के अगले टॉपिक के बारे में, और आज हम जानेंगे कि रिसर्च में वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार क्या होते हैं, और इसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों हमने रिसर्च से रिलेटेड पहले भी 3 वीडियो बनाई हैं, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि रिसर्च से जो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप है उससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 52, ये देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि सम्मेलन किसके लिए होते हैं, सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस है वो किस लिए किया जाता है। इसमें कहा है कि बहु लक्ष्यांक समूह, अगर हम इंग्लिश में देखें तो मल्टीपल टारगेट ग्रुप, टारगेट डिस्कशन, शो केस केसिंग न्यू रिसर्च, ऑल द अबो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि नवीन शोध प्रदर्शित करना, यानी कि सम्मेलन के अंदर क्या होता है कि नवीन शोध, नई जो शोध हमने की है उसे प्रदर्शित करना, उसे दिखाना सभी को, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों सम्मेलन क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन सभी से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सम्मेलन से काफ़ी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से किस तरह से रिपीट हुए हैं, और फिर मैं आपको इन सभी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जून 2013 का, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक कार्यशाला होती है, यानी कि ए वर्कशॉप इज, वर्कशॉप क्या होती है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसके अंदर जो आंसर है, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि कार्यशाला में हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो समस्या के समाधान के लिए कौशल एवं तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि टेक्निकली जो बात होती है वो इसके अंदर की जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ टेक्निकली बातें इसके अंदर सम्मिलित होती है। तो इनके बारे में मैं बताऊं आपको, अभी एक बार देख लेते हैं सभी कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने कहा है कि जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेमिनार आएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो कार्यशाला क्यों नहीं आया, सिंपोजियम क्यों नहीं आया, यही हम जानेंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, और फिर हम इन सभी पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषता है। अब हमें यहाँ पे सेमिनार की विशेषता बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जैसे ए, बी और डी इन्होंने आंसर दिया है। ए के अंदर ये क्या है, यह एक अकादमिक अनुदेश का प्रकार है, ठीक है। और बी में क्या दिया है, इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है, ठीक है। और डी इसने क्या दिया है, इसमें कौशलायुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है, यानी कि कौशल युक्त, यानी कि जिन्हें अच्छे से जानकारी हो वो लोग इसमें शामिल होने चाहिए। और इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि इंग्लिश स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेमिनार, सेमिनार की हमें इसमें विशेषता बनानी है। तो इसका जो आंसर है, ए, बी और डी आंसर है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट, इट नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स, ठीक है। तो
देखिए, अब हम जानते हैं कि इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं कि वर्कशॉप क्या होती है, सेमिनार क्या होती है और कॉन्फ्रेंस क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कशॉप के बारे में कि वर्कशॉप क्या होती है। ठीक है, तो वर्कशॉप को हम हिंदी में कार्यशाला भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। ठीक है, कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई एक निश्चित विषय होता है, उसके कार्य के बारे में, उसके प्रायोगिक प्रयोग के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली है दोस्तों, वो ये है कि इसके अंदर टेक्निकली बातों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तकनीकी कार्य ज़्यादा किए जाते हैं। अब देखिए, वर्कशॉप, यहाँ पे आ गया वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप यानी कि जहाँ पे हम कुछ फिजिकली यानी कि टेक्निकली जो वर्क करें उसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान के चले आईटीआई की बात करते हैं। ठीक है, आईटीआई के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वर्कशॉप होती है, तो वहाँ पे हमें टेक्निकली सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब कि ऐसी कोई चर्चा परिचर्चा जिसके अंदर हम टेक्निकली बातों का प्रयोग करें और अपने ज्ञान ज्ञान को आगे बढ़ाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्यशाला कहेंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, ये आप पूरा का पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं और ये नोट्स, इस नोट्स की मैंने पीडीएफ वीडियो बॉक्स के अंदर दी है, वहाँ से आप ये नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो नोट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने दिया है, वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि संगोष्ठी क्या होती है, यानी कि संगोष्ठी को हम क्या कहते हैं, सेमिनार भी कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो इसकी हम विशेषता जान लेते हैं कि संगोष्ठी में जो विशेषता होती है वो क्या होती है। संगोष्ठी भी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखनी है कि जो सेमिनार होता है उसे हम संगोष्ठी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है कि इसमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, हम बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सेमिनार जो होता है वो औपचारिक होता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते, सॉरी, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, औपचारिक प्रकृति का होता है और इसमें जो लोगों की भागीदारी होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होगी, इसके अंदर कुछ गिने चुने लोग, लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर, और देखिए मैं औपचारिक अनौपचारिक का यहाँ पे मतलब समझा देता हूँ कि सेमिनार के अंदर औपचारिक किस तरह से होते हैं। अब देखिए, मान के चलते हैं कि कोई सभा हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर 50 लोग हैं, तो 50 लोगों के साथ हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा बंदा क्या कर रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, वो हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा औपचारिक हो गई। और दूसरी ओर हम लेके चलते हैं कि एक सभा में 500 लोग हैं, ठीक है, कोई बंदा वहाँ पे बातचीत कर रहा है स्टेज पे आके, तो उसे नहीं पता कि 500 लोगों में कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो वो वहाँ पे 500 लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा जितना कम्युनिकेशन 50 लोगों में होगा। ठीक है, तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक का यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी बात दी हुई है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि औपचारिक क्या होता है और कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो ये पूछ लेंगे कि 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें कहेंगे कि सेमिनार होता है वो औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं पहले और आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सम्मेलन के बारे में। ठीक है, और वही बात है दोस्तों कि अगर सेमिनार के बारे में और आपको पढ़ना है तो ये हमने नोट्स दिए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने दिया है। अब देखिए, सम्मेलन के बारे में बात करते हैं कि सम्मेलन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि सम्मेलन
समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं एवं राय को एक सामान्य उद्देश्य के लिए सलाह, मशविरा एवं परिचर्चा करने को कहते हैं। यह एक प्रकार की सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं प्रस्तुत विषय से संबंधित। दोस्तों ये बात आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो भी दी है, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि सम्मेलन क्या होता है। दोस्तों इसमें भी क्या होता है कि हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और अपनी जो ज्ञान है उसे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो हमें ध्यान में रखना है, वो क्या होता है कि सम्मेलन के अंदर दोस्तों जो क्राउड जो होती है, लोग जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। सम्मेलन के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया कि 500 लोगों तक हो सकते हैं या ज़्यादा लोग हो सकते हैं। और इसके और दोस्तों कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन जो होता है वो अनौपचारिक होता है, ठीक है, और सेमिनार जो होता है वो औपचारिक होता है। यहाँ पर हमें बात ये ध्यान रखनी होगी। देखिए कॉन्फ्रेंस किस तरह से अनौपचारिक होता है, वही बात मैंने जो पहले बताई थी कि इसके अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, तो उन सभी के साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, अच्छे से बातचीत नहीं हो सकती। तो इस तरह क्या होता कि वो अनौपचारिक होता है और ये काफ़ी बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम और देखते हैं कि आगे और क्या है इसके अंदर। अब देखिए अब बात आती है दोस्तों हमारी परिसंवाद यानी कि सिंपोजियम के बारे में, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आया है, इसमें क्या कहा है कि जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार कोई निर्णय लेना होता है तब ऐसे सभी व्यक्तियों को आपस में बैठाकर उस विषय पर वार्तालाप करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप समझ गए हैं कि कोई एक विषय है, कोई समस्या है, ठीक है, और उसके ऊपर हमें बैठकर सभी को एक निर्णय लेना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सभी व्यक्तियों का जो सलाह मशवरा होता है तो उन सभी से निकल के एक राय बाहर निकल कर आती है, एक निर्णय बाहर निकल कर आता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, परिसंवाद या सिंपोजियम। यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि और वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, सिंपोजियम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आए हैं आज तक। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बता दें कि हमने 2012 से लेकर जुलाई 2018 तक सेपरेट टॉपिक वाइज पेपर फर्स्ट की पीडीएफ बना रखी है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से आज तक जितने क्वेश्चन आए वो अलग है, रिसर्च के अलग है, कम्युनिकेशन से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग कर रखे हैं, जिनको आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हमारी इस पीडीएफ से दोस्तों जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कॉपी आए थे, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगी, ठीक है। और इस पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अगर कोई ये पीडीएफ लेना चाहे तो वो ये पीडीएफ ले सकता है। देखिए दोस्तों नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों ये वही आ गया जो हमने अभी पढ़ के आए हैं हम, यानी कि ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है जिसके अंदर व्यापक रेंज यानी कि बड़े ब्रॉड लेवल पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है दोस्तों, सम्मेलन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें इंग्लिश में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इशू मे बी मेड पॉसिबल। यानी कि बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर जहाँ पे आइडिया विचार वगैरह आदान प्रदान किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कहेंगे, ठीक है। अभी हमने ये बात पढ़ी थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितना आसान है हमारे लिए करना अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान दें तो, ठीक है। और चलिए अब हम और देखते कि और किस तरह से क्वेश्चन आए हैं इसमें से। ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो अभी हुआ है, ठीक है, इसमें भी आए हैं क्वेश्चन। अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने दिया हुआ है, इसमें है निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक अक्षमता है, ठीक है।
दोस्तों इसका जो आंसर है शोध सम्मेलन में भागीदारी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत से दोस्तों का ये मानना था कि इसका जो आंसर है ये आएगा कार्यशाला में भागीदारी आएगा, और बहुत से लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाने की कोशिश की थी। लेकिन जो यूजीसी ने जो राइट आंसर माना है दोस्तों, वो यही माना है कि शोध सम्मेलन में भागीदारी, यही इन्होंने माना है, ठीक है। तो हम भी यही मान के चल सकते हैं, अब यूजीसी यूजीसी है उसे हम क्या कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो यूजीसी के अनुसार होगा वो ये होगा कि शोध सम्मेलन में भागीदारी, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता होती है इसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे लिए वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आज तक यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और ये हमारे लिए कितना करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे से कुछ गलत कहा गया या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइए, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।